सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्टर जोन। तुम्हारा भाई दिलशाद खान तुम्हारे साथ, और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक होने वाला है भाई, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले सभी को रमज़ान मुबारक। और टॉपिक इसी से कुछ रिलेटेड है। अपने भाइयों के मैसेज आ रहे थे बहुत सारे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, कुछ ऐसा बताइए कि हम रमज़ान में फिट रह सकते हैं, अपने डाइट को फॉलो कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो भाई मैं यही बोलने वाला हूँ कि यही बोलूँगा आपको कि ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम इसको एज ए फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना भी देखेंगे जितनी भी जो डाइट होती है सब सिमिलर ही होती है, जिसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़ा थोड़ा खाना करके दिया जाता है, डाइट में दिया जाता है, कुछ कुछ कैलोरीज दी जाती है दो दो घंटे के लिए, हर दो दो घंटे में दी जाती है, तो सब कुछ सारी डाइट सिमिलर ही होती है। यहाँ भी हमें भूखे ही रहना है, ठीक है, वहाँ भी हम भूखे ही रहते हैं, ठीक है, डाइट पे। तो भाई करना ये है आपको, सबसे पहले वर्कआउट कब करना है, वर्कआउट हमें हमेशा अफ्तारी से यानी शाम को, रोज़ा खोलने से 2 घंटे पहले हमें वर्कआउट करना है। और वर्कआउट ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग में आप तुरंत वर्कआउट करने लग जाओ या बहुत ज़्यादा वेट उठाने लग जाओ। आपको 10-15 दिन, 10 दिन कम से कम आपको क्या करना है, बॉडी को आदत लगानी है। धीरे धीरे कार्डियो पे आओ आप, ठीक है, आप धीरे धीरे पुशअप्स लगा सकते हो, थोड़ी बहुत स्क्वाट्स कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप बॉडी को जैसे जैसे आदत हो जाए उसके बाद आप वर्कआउट को बढ़ाना है, ठीक है। तो बॉडी फैट लॉस कैसे करती है इस महीने में भाई, जब हम भूखे रहते हैं 10 से 12 घंटे अगर हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेज होती है कैटाबॉलिक स्टेज। हमारी बॉडी क्या होती है ना, सभी चीज़ों को रिजर्व करती है, जैसे कि एक गाड़ी करती है रिजर्व होता है, जैसे रिजर्व सिस्टम होता है हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम 2 दिन तक खाना ना खाएं या कुछ देर पानी ना पिए कुछ घंटे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अपनी बॉडी को यूज़ टू करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो उसने रिजर्व फैट, जो फैट को रिजर्व किया है, इकट्ठा किया है, उसी को वो काट के हमें एनर्जी में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी देती है। तो गाइज इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक स्टेज, तो हमें यही करना है। तो गाइज जब भी हमारा रमज़ान होता है, जब भी हमारा रोज़ा होता है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कैटाबॉलिक स्टेज में पहुंच जाती है, तो हमें उसी का फ़ायदा उठाना है। हमारी बॉडी जब कैटाबॉलिक स्टेज में होगी और हम वर्कआउट करेंगे, तो हमारी बॉडी को यूज़ टू करेगी, यानी हमारी फ़ैट को यूज़ टू करेगी, जो भी उसने रिजर्व किया है, जो फैट इकट्ठा हो रखा है आपका, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी देगी। तो यहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है फैट लॉस करने में। तो गाइज़ बहाना नहीं बनाना है कोई कि मेरे को वीकनेस हो गई है या मैं नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी है, और इसका फ़ायदा उठाना है इस महीने का। बहुत ही आप अच्छे से फिट रह सकते हो, अपनी बॉडी को फैट लॉस कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है गाइज इस महीने में। तो सभी को दोबारा से एक बार फिर से रमज़ान मुबारक, और अपना वर्कआउट ना छोड़ें बिल्कुल भी, आप अच्छे से फिट रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, और अपना फैट लॉस बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रमज़ान मुबारक।